नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने पर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि रेल रोको, रोड जाम आदि प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो किसान हवाई अड्डों और हवाई जहाजों को भी रोकेंगे। दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन को जनतंत्र का सार्थक हिस्सा मानकर सरकार 3 कृषि कानून को जल्द से जल्द रद्द करे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इलाके की सभी खापों के प्रधान किसान, मजदूर, व्यापारी आदि तीनों कृषि काले कानूनों के विरोध में घरों पर काले झंडे लगाकर रोज गार्डन में एकत्रित हुए। रोज गार्डन से रोड प्रदर्शन शुरू करते हुए शहर के प्रमुख चौराहों का घेराव करके किसानों ने प्रदर्शन के साथ काले झंडे फहराकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता जयवीर फोगाट की रिपोर्ट। जैसा कि अपने जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसके 100 दिन पूरे हो, और आज का ये दिन है जिसको एक काले दिवस के रूप में मना रहा है किसान। तो आज का दिन काले दिवस के रूप में मनाया गया, इसीलिए जो अपने पट्टी और ये काले रंग की ये पट्टी बांध के तीनों काले कानून हमारे वापस नहीं हो रहे, एक विरोध प्रदर्शन दिखा रहा है किसान। आज का दिन इसीलिए काली पट्टी बांध के मनाया जा रहा है। वे बिल्कुल बढ़िया हिसाब से अपना आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी आदेश दिए हैं उन नेतृत्व का जो भी आदेश आया है सारी खापों ने तो समर्थन कर रखा है, और सारी संगठनों ने उनका नेतृत्व के आदेश की पालना होती है, और वो जैसा भी हमें आगे आदेश देंगे बिल्कुल 100% उस आदेश की पालना है। तभी आप लोग अब जैसे काफ़ी कल से 5 तारीख से सेशन शुरू हो गया सरकार का, और मैं सीधा चंडीगढ़ शहर दादरी आया हूँ। इसे काले कानून के खिलाफ जो आज विरोध दिवस काला दिवस के रूप में मना रहे हैं इसमें शामिल हुआ हूँ। पार्क से लेके हम लाला लाजपत राय चौथ तक जलसा जलूस प्रदर्शन करते वहाँ पहुँचे, और ये आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस 100 दिन के दौरान सरकार की दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन हो रहा है, और सरकार के अभी तक कान पर जू नहीं रखी, चाहे वो रास्ता रोकने वाली बात थी, हाईवे रोड जाम करने वाले थी, ट्रैक्टर यात्रा की बात थी, या जलसा जुलूस प्रदर्शन की बात थी, या कितना टोल प्लाजा की बात थी, या रैली की बात थी, लेकिन सरकार मान नहीं रही। ये दुर्भाग्य है देश का, लोकतंत्र के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े लोगों की बात को सुनना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं सरकार के ये तीनों काले कानून वापस करने में सरकार का नुकसान क्या है। चौथा कानून, इस तीनों कानूनों रेस करके चौथा कानून किसान की भलाई में देश के हित में सरकार में लाना चाहिए, और जन आंदोलन को सार्थक लोकतंत्र का ऐसा मानते हुए तीनों कानूनों को वापस करना चाहिए। ऐसा ये किसान आंदोलन, इन्होंने एयरपोर्ट और जहाजों को भी कन्न रोकना पड़े, इस मिशन को कामयाब होकर रहेगी। जो भी हाईकमान का आदेश करेगा हम उसी पर पालना करेंगे।